हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया दो एग्जांपल्स लेके आ गए हैं मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के, जो कि बहुत चल रहे हैं भैया, बहुत ही चल रहे हैं। तो इनके बारे में अपने को थोड़ा समझना है, थोड़ा जानना है, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आंसर क्या लिखना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया देखो यार, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं। पहले एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। वेब सर्च, ये कोई नई टर्म नहीं है भाई अपने लिए, ओके, क्योंकि अपन दिन में कम से कम 100 या 100 से ज्यादा बार वेब सर्च तो करते ही हैं, सही बात है कि नहीं। वेब सर्च जैसा नाम है वैसा ही काम है भैया, ठीक है। वेब यानी कि भैया बहुत ही बड़ा सा घना सा ये जाल है हमारे सामने, और उसमें से कुछ ढूंढ के निकालना है, सर्च करना है भैया, जो भी यूजर जो भी क्लाइंट चाहे वो सारी चीजें, सही बात है। तो ये वेब सर्च करना है, तो यहां पे ये जो आपका टास्क होता है किसका, WSE मतलब क्या, वेब सर्च इंजिन। सो द टास्क ऑफ वेब सर्च इंजिन इज टू इंडेक्स द एंटायर कंटेंट ऑफ द वेब, मतलब जो अवेलेबल है भैया पूरा का पूरा कंटेंट, ओके, उसे रिस्पेक्टिवली इंडेक्स करना, ये आपका वेब सर्च इंजन का एक तरीके से टास्क होता है। अब यहां पे आपके उस वेब के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें मौजूद होती हैं। सबसे कॉमन मतलब वेब पेजेस, बहुत सारे ढेर सारे वेब पेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मल्टीमीडिया कंटेंट वहां देखने को मिल जाएंगे, ओके, बहुत सारे आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स बुक्स, ये बहुत सारी चीजें जो है आपको भैया वेब के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और ये जो काम है ना भैया, बेसिकली वेब सर्च का जो काम है, ये जो वेब सर्च इंजिन परफॉर्म करता है, ये इतना आसान नहीं है। ये आसान क्यों नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, क्यों, बिकॉज ये कुछ आंकड़े मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, ओके। जो करंट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं वो ऐसे है भैया कि वेब इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ 63 बिलियन, भाई साहब 63 बिलियन पेजेस एंड 1 ट्रिलियन यूनिक वेब एड्रेसेस। कितने भाई, 1 ट्रिलियन यूनिक वेब एड्रेसेस। आंकड़े भैया बहुत बड़े हैं ना, सही बात है। तो इस वजह से ये काम भी आसान नहीं है, ये जो वेब सर्च है ना, ये काम भी इतना आसान नहीं है। लेकिन भाई साहब जब हमारे पास गूगल है तो फिर क्या बात का, किस बात का डरना भैया। गूगल इज वन ऑफ द मार्केट लीडर ऑफ वेब सर्च टेक्नोलॉजी। तो गूगल ये जो नाम है भैया हमारे लिए नया नहीं है। वेब सर्च टेक्नोलॉजी कि जब बात होती है तो सबसे पहले नाम निकलता है भैया गूगल का, ये मार्केट लीडर है अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पे गूगल ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का ही सपोर्ट लिया है। क्या किया यहाँ पे बेसिकली गूगल ने, कि आपके जो सर्च है उसको सपोर्ट कर सके एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन जो है वो बिल्ड किया है, जिस वजह से जो भी भैया आप सर्च कर रहे हो, जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हो, उससे जुड़ा हुआ जो बेसिकली वेब पेजेस कंटेंट जो है वो आपके समक्ष आ जाए, ऐसे सर्च को सपोर्ट करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे गूगल ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की यहाँ पे मदद ली हुई है। और वो जो पूरा का पूरा डिजाइन है उसमें कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं अभी आपके साथ बात करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो भैया देर इज सम अंडरलाइंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अंडरलाइंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे भैया बहुत सारे आपके मशीन्स कह लो, नोट्स कह लो, कंप्यूटर्स कह लो, जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ओके, कम्युनिकेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। देखो यार ये फाइल सिस्टम भी कैसा है, नेचर उसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि यार बहुत सारी अपनी बड़ी बड़ी जो फाइल्स होती हैं, वेरी ह्यूज फाइल्स जो होती हैं, उनको भी भैया सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डिजाइन किया गया है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम, ताकि भैया आपका जो डेटा है बड़े बड़े डेटा सेट से उनको ईजिली एक्सेस किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे बनाया गया है। प्रोग्रामिंग मॉडल भी भैया जो क्या करता है, एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, किसे सपोर्ट कर रहा है, मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्या मैनेज करने में सपोर्ट कर रहा है, जो भी आपके कंप्यूटेशन, जो भी बड़ी स्केल पे कंप्यूटेशन आपके इस रिस्पेक्टिव अंडरलाइंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैरी आउट होने वाले हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपको प्रोग्रामिंग मॉडल से मिल जाएगा। तो ये कुछ तमाम बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की रिगार्डिंग दिस रिस्पेक्टिव वेब सर्च टेक्नोलॉजी लीडर गूगल के बारे में, जो कि आपका वेब सर्च के अंदर आ जाता है एक एग्जांपल। उसके बाद भैया अगले की तरफ अपन बढ़ते हैं, वो है MMGOs। ये क्या है भैया MMGOs, देखो यार मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स। इसको एक काम करते हैं अपन उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, इसको उल्टा पढ़ते हैं, मजा आएगा। गेम्स तो अपन सभी खेलते हैं जब बच्चे थे भैया, ओके, गुल्ली डंडा, कंचे, अपन सब खेलते थे, कैरम वगैरह, लेकिन ये ऑफलाइन गेम्स है,
ये उस वक्त कैसे ऑफलाइन गेम्स रहते थे। तो चलो एक और शब्द उसमें ऐड करते हैं, ऑनलाइन गेम्स। अब ऑनलाइन गेम्स में भैया जो हम लोग पहले करते थे ये सिर्फ अपन किसी स्क्रीन पे कर सकते हैं, मतलब यू नो आईपैड हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, डेस्कटॉप हो गया, बड़ी ह्यूज स्क्रीन्स हो गए, उसके ऊपर अपन जो है यही खेल खेल सकते हैं। क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बराबर है, गुल्ली डंडा भी खेल सकते हैं, कंचे भी खेल सकते हैं। अब तो बहुत सारी गेम्स आ गई, तो ऑनलाइन गेम्स उसमें आता है मल्टीप्लेयर, मतलब आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, आपके साथ बहुत सारे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको कॉम्पिटिशन देंगे, ओके, और आपको खेलने में और मजा आएगा। उसमें आता है मैसिवली, मतलब जब इस पूरे खेल को मल्टीप्लेयर को एक और ह्यूज अलग लेवल पे, अलग स्केल पे लेके जाया जाए, तो वो आपका होता है MMGOs, मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स। और जिसके कुछ एग्जाम्पल बड़े ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए होंगे, शायद आप इनसे थोड़ा सा रूबरू भी होंगे, Sony's EverQuest 2 and EVE Online। अब बेसिकली ना यहाँ पे देखो यार, जब गेम्स की बात आ रही है तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि यार देखो यहाँ पे आपको ना एक क्विक रिस्पॉन्स, फास्ट रिस्पॉन्स आपके यूजर को देना है ताकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा रह सके। मतलब अगर कोई गेम खेल रहा है, कोई यूजर है, कोई क्लाइंट है, ओके, वो कोई गेम खेल रहा है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं भैया दुश्मन सामने से आ रहा है और आपने भैया अटैक किया और वो अटैक जो है वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एक सेकंड के बाद, तब तक तो खेल खत्म हो चुका होगा, बराबर है कि नहीं? तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, तो इससे भी अपने को यहाँ पे डील करना है। और एक बहुत बड़ा और चैलेंज भी ये होता है कि भैया जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, देखो यार यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं, ये बहुत ही मैसिव लेवल पे, मैसिव स्केल पे भैया ये जो खेल है वो खेले जाते हैं, जहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो सिस्टम्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं लगभग 50,000 साइमल्टेनियस प्लेयर्स, ओके, साइमल्टेनियसली 50,000, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतने प्लेयर्स भैया एट अ टाइम, ये आपको समझना है। तो ये बहुत ही अलग लेवल पे खेला जा रहा है। और यहाँ पे मामला ये है कि जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उन सभी को आपके उस गेम का, उस वर्चुअल वर्ल्ड का एक कंसिस्टेंट व्यू दिखना चाहिए, एक कंसिस्टेंट स्टेट, एक स्टेट जो है वो अभी इस स्टेट से इस स्टेट में गया, तो ये जो स्टेट ट्रांजिशन है ये सभी को दिखना चाहिए, और वो भी उसी रियल टाइम में। बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्या है, अगर प्रोपेगेशन करने में जो भी व्यू है वो हर एक प्लेयर तक प्रोपेगेट करने में अगर डीले होता है, अगर कुछ डीले इंट्रोड्यूस होता है, वैसे तो वो डीले फ्री होना चाहिए, लेकिन अगर डीले इंट्रोड्यूस होता है तो भैया बहुत सारी चीज़ें अजीब आपको इस गेम्स में देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि भाई साहब मान लीजिए आप हीरो हो, आगे से दुश्मन आ रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि दुश्मन वाला जो प्लेयर है, जो समझ लो किसी और कंट्री में बैठ के खेल रहा है, ऑनलाइन खेल रहा है ना, किसी और कंट्री में बैठ के भैया खेल रहा है, उसने क्या किया, अटैक किया आप पे। अब वो जो अटैक किया, वो जो पर्टिकुलर व्यू है, वो जब तक आप तक पहुंचता है, अगर उसमें डिले हो गया, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, अगर वो रियल टाइम नहीं रहा, तो भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको भैया उस अटैक को डिफेंड करना है ना, और डिफेंड करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको वो तरीका चुनना है, ओके, कि जो आपको कम से कम हार्म कर सके, सही बात है कि नहीं? तो उसके लिए आपको सबसे पहले अटैक को समझना पड़ेगा कि अटैक हो रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा, ओके, वो व्यू जो है, वो जो स्टेट है, वो आपको समझ, आप तक पहुंचना चाहिए। अगर वो पहुंचने में देरी होगी तो क्या होगा, आप रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप डिफेंड ही नहीं कर पाओगे, और भैया गेम ओवर, सही बात है, बड़ा अजीब लगता है ये, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हद तक भैया ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए चैलेंज है, ये बहुत बड़े बड़े भैया जो है दिक्कतें आपके सामने आ सकती है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है इनको भैया बड़े अच्छी तरीके से संभाल लेता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो भैया ये जो EverQuest 2 है, इसने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे जो है बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे मल्टीपल, बहुत सारे सर्वर जो है वो यहाँ पे ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्या कर दिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्योग्राफिकली यहाँ पे वो सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और जब भी कोई क्लाइंट या फिर कोई यूजर या फिर कोई गेमर भैया ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भैया डायनेमिकली एक सर्वर एलोकेट किया जाता है, क्या किया जाता है, डायनेमिकली एक सर्वर उसके साथ जुड़ जाता है, उसको एलोकेट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, जी कि भैया उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन उस यूजर से पास होना चाहिए, उस सर्वर का वो कितने देर के लिए यूज कर रहा है, उसके यूजेस पैटर्न क्या है, सही बात है। तो ऐसी सारी चीजें ताकि वो डीले फैक्टर इंट्रोड्यूस ना हो और एक बहुत ही बढ़िया एफिशियंट जो व्यू है, कंसिस्टेंट व्यू है, एक एफिशियंट उसको जो यूजर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो उसे वहां पे मिल सके। दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे जो EverQuest 2 ने
डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को जो एडॉप्ट किया है उसके बहुत फायदे भी भैया यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये नेचुरली एक्सटेंसिबल भी है, एक्सटेंड भी कर सकते हो इसको। कैसे? बाय सिंपली एडिंग न्यू सर्वर्स। आप नए नए सर्वर ऐड करते जाओ, ये और एक्सटेंड होता जाएगा, एक्सपांड होता जाएगा। ये भैया आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करने का बहुत बड़ा फायदा भी है। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, समझाई है दो एग्जांपल से रिलेटेड, अगर वो आपको समझ में आ गई होंगी, आपकी मदद होगी तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।